डहरन गांव का एक प्रतिनिधि मंडल हमीरपुर में एसपी से भेंट करने के लिए पहुंचा। इस प्रतिनिधि मंडल ने एसपी हमीरपुर को बताया कि एक व्यक्ति जिसका नाम हेमराज है, वह झूठे आरोप लगाकर गांव वालों को परेशान करता है। उन्होंने कहा कि झूठे प्रार्थना पत्र बनाकर वह पुलिस और पंचायत में देता है, जिसके चलते सभी गांववासी उससे परेशान हैं। उन्होंने एसपी से गुहार लगाई है कि इस व्यक्ति के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाए। उन्होंने कहा कि हेमराज पर उचित कार्रवाई की जाए और धमकी देता है कि पूरे गांव वालों को बच्चों सहित थाने में बंद करवा देगा, या उसने झूठे आरोप लगाकर और झूठे प्रार्थना पत्र दाखिल करके या लोगों को डराने का काम करता है। प्रतिनिधि मंडल ने एसपी हमीरपुर से गुहार लगाई है कि उन्हें न्याय दिया जाए और इस व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाए। हमारा मकसद है कि हमारे गांव में हेमराज सन ऑफ श्री सोन सिंह, उसने पूरे गांववासियों को हरासमेंट कर रखा पिछले एक महीने से, और हम समस्त ग्रामवासी जो उससे परेशान है। कल को वो कोई भी अपने साथ वारदात कर सकता है। उसका लड़का भी अप्लीकेशन भेज रहा है गाँव के बरखिलाफ, पूरे गाँव के रास्ते बंद कर रखे हैं। हमारी जो धार्मिक जगह है वहाँ पर भी उल्टे सुलटे काम उसने किए हुए हैं जो कि कानूनी विरुद्ध हैं, और हम चाहते हैं कि सरकार तक ये हमारी बात जाए कि जो वो कार्रवाई कर रहा है वो सरेआम गलत है और झूठा आदमी है। इसके लिए हम आज थाना में आज फिर हमारे को उसने बुलाया है। हर रोज़ पूरा परिवार घर से उठ के आता है यहाँ, उसके कारण पूरा गांव परेशान है। धन्यवाद। गर्मी के मौसम में फसल का टाइम है और हम घर से आ रहे हैं उठ के, घर में कोई काम नहीं, एक एप्लीकेशन दे देता है सर इनको बोलने वाला। जो भी पंचायत में, कभी पंचायत में चला जाता है, कभी थाने में चला जाता है, कभी कहीं से एप्लीकेशन आ रही है, कभी उसके बेटा आर्मी से एप्लीकेशन डाल रहा है। इन कार्रवाई से हम बहुत परेशान हैं। ऐसी प्रॉब्लम है, ये आदमी दो तीन महीने से झूठी एप्लीकेशन पूरे गाँव पर दे रहा है। पहले पंचायत में दी, फिर पुलिस में दी, अब दोबारा फिर पुलिस में दी है। इसने हर पूरे गांव को हरासमेंट कर रखा है और उसमें झूठे आरोप लगाए जा रहा है। गांव का कोई आदमी काम नहीं कर पा रहा इसकी वजह से। इसने पूरे गांव को तंग कर रखा है हमारे को। किस तरह के आरोप? इस तरह के हैं कि कभी बोलेगा मेरे घर का दरवाजा ठड़काया, कभी बोलेगा झूठे आरोप, कभी बोलेगा मेरे को लेटर डाला, कभी बोलेगा मेरे को ये मारने आ रहे हैं। तीन बार इसने अभी जो एप्लीकेशन हमारे पर लेटेस्ट जो आज बुलाया है, वो ऐसा झूठा आरोप लगाया है कि हम मेरे को मारने आ रहे हैं और मेरे पर मेरे को खतरा है इनका। अभी पूरा गांव तो नहीं इसको मार रहा कोई, मेरे बैल को टोकन लगवा दिया सर। इसने अब झूठी बात यह है, इसके घर में एक बैल था, उसको गवर्नमेंट टोकन डालेगी, उसके वजह से खुद खा रहा। अभी पूरे गांव को बोल रहा कि इसने बोल दिया, कभी इसका नाम, कभी इसका नाम, कभी किसी का नाम। अब टोकन लगा तो उन्हें रखा हुआ है तो उसको टोकन तो लगना ही है। उसमें आप बता रहे कि बच्चों को भी, बच्चों को सर, छोटे छोटे बच्चों को इसने नाम ले रहा, कभी पुलिस में उनके नाम डाल रहा, कभी पंचायत में उनके नाम डाल रहा। मंदिर के अंदर जो इसने कब्जा कर रखा है, सरकारी जो गांव का मंदिर है, उसके ऊपर एक ऐसी चीज बना रखी है कि एक बच्चा वहां जाने से डर रहा है। उसको देखो मंदिर में उसने क्या बना रखा है, उसमें क्या डटपांच किया हुआ है ये वही जानता है। खुद का दोनों भाइयों के, हेमराज का खुद ने मकान जो श्यामलात में बनाया हुआ है, और उसका एक बड़ा भाई है, उसका मकान पूरी श्यामलात में, टोटल ही मकान श्यामलात में, जिसकी एक कई बड़े भाई अनंत राम के मकान की मिसल बनी हुई है, और इसकी एप्लीकेशन अभी हम दे रहे हैं क्योंकि टोटली इसने मकान जो कमरे बनाए हुए हैं पंचायत में, इसने श्यामलात भूमि में बनाए हुए।